एक समय की बात है, एक सुंदर राज्य में एक राजा और उसकी रानी राजमहल में रहते थे। वे बहुत समृद्ध और सुखी थे, लेकिन उनके पास कोई संतान नहीं थी। ये वारिसों की अभावता उनके मन को व्याकुल कर रही थी। वे दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि उन्हें एक सुंदर संतान दें। एक दिन राजमहल के आंतरिक उद्यान में रानी एक चमत्कारिक फूल देखी। उस फूल का रंग सोने जैसा था और यह बहुत खुशबूदार था। रानी ने उसे अपनी विशेष देखभाल में ले लिया और उसे अपने कमरे में रखा। वह फूल विशेष रूप से उसे एक आशीर्वाद दे रहा था कि उसे बाल ग्रहण करने का शक्ति प्राप्त हो गई है। वही रात को रानी को सपना आया कि उसे वो फूल कह रहा है। फूल ने बताया कि उसे उन्हें पालकर एक दिव्य संतान का जन्म होगा। फूल ने रानी से कहा कि उसे संतान की प्राप्ति के लिए वो फूल उन्हें बाहर जमीन में बोना होगा और फिर वह संतान पैदा करेगा। रानी ने सपने को सत्यापित करने के लिए अपने पति राजा को सब सुनाया और उन्होंने दोनों ने मिलकर उस चमत्कारिक फूल को बाहर खोदा और उसे जमीन में बो दिया। कुछ समय बाद रानी को संतान की आश्चर्यजनक गर्भधारणा हुई। वह सुंदर संतान स्वास्थ्य और समृद्ध रूप से पैदा हुई और सबकी खुशियों में राजमहल में आई। ये घटना राजमहल में खुशियों का वातावरण लेकर आई और राजा और रानी ने बहुत धन्यवाद किया ईश्वर का। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब हम प्रार्थना और आस्था के साथ श्रद्धा रखते हैं तो अद्भुत चमत्कार हो सकते हैं। संघर्ष और संकटों के बावजूद यदि हम सत्यनिष्ठा, सामर्थ्य और आशा बनाए रखें तो हमें सफलता और खुशियों की प्राप्ति हो सकती है।